नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। वाराणसी सीरियल ब्लास्ट केस में दोषी करार दिए गए आतंकी मोहम्मद वलीउल्लाह को ये जो सोमवार गया है गाजियाबाद कोर्ट ने, एक मामले में फांसी और दूसरे में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कभी वाराणसी के जो ब्लास्ट के आतंकी वलीउल्लाह साहब थे, इनको बचाने की कोशिश की थी। और आप जानते हैं कि उस समय कोर्ट ने इन्हें क्या कहा था, अखिलेश जी को, कि आप इन्हें बचा रहे हैं, क्यों बचा रहे हैं, क्या आप इन्हें पद्म भूषण देना चाहते हैं। ये तो उस समय की बात थी, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के इनसे दोस्त आने रहे हैं। हालांकि फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पे निशाना साधते हुए ये भी कहा था कि फांसी की सजा पाए एक आतंकवादी मोहम्मद सैफ के परिवार का संबंध समाजवादी पार्टी से है और सैफ के पिता सपा के रहनुमा बताए जाते हैं। इतना ही नहीं, वो खुद इन दिनों सपा का जोर शोर से इलाके में प्रचार भी कर रहे हैं और सीएम योगी ने भी कहा था कि सपा दंगावादी पार्टी है, केवल नाम समाजवादी है लेकिन काम दंगावादी है, उनकी सोच जो है परिवारवाद तक ही सीमित है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो योगी जी ने इतनी बड़ी बात कही है उसके पीछे उन्होंने अपना क्या तर्क दिया, ये बड़ी लंबी कहानी है। वाराणसी में 16 साल पहले 7 मार्च 2006 को सीरियल ब्लास्ट के मामले में आतंकी वलीउल्लाह को फांसी की जो सजा सुनाई गई है, ये जो घटना हुई थी ये वाराणसी के संकट मोचन और कैंट स्टेशन के पास सीरियल ब्लास्ट में, इस घटना में 18 लोगों की मौत हो गई थी। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने विस्फोट के सिलसिले में प्रयागराज के फूलपुर गांव के वलीउल्लाह को 5 अप्रैल 2006 में गिरफ्तार किया था और सबूतों के आधार पर ये माना कि संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन विस्फोट की साजिश रचने में वलीउल्लाह की प्रमुख अहम भूमिका रही। वाराणसी के वकीलों ने वलीउल्लाह का केस लड़ने से मना कर दिया था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस मामले को गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भेज दिया गया था। इतना मतलब बवाल हो गया था उस समय। अब गाजियाबाद कोर्ट ने इसी मामले में सजा सुनाई है। तो मैंने जो बात की थी कि समाजवादी पार्टी के याराने हैं वलीउल्लाह के साथ, काफ़ी कोशिश की थी इन्होंने उन्हें बचाने की। विस्फोट के बाद जब पुलिस के गिरफ्त में आतंकी वलीउल्लाह के आने पे जो पहली टिप्पणी थी अखिलेश यादव की, वो ये थी कि किसी तरीके से इनको बचाया जाए। समाजवादी पार्टी सरकार ने बचाने की पूरी कोशिश भी की और उस समय की समाजवादी सरकार ने गुपचुप तरीके से मुकदमा वापसी की तैयारी शुरू कर दी थी। विशेष सचिव राजेंद्र कुमार की ओर से इस बारे में एक पत्र जिला प्रशासन को भेजा जाता है, लेकिन विरोध हो जाने पर सरकार इसे ठंडे बस्ते में डाल देती है और बैकफुट पे आ जाती है। अखिलेश यादव ने 2012 में जब सत्ता में वो आए थे, उस समय उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये कहा था कि जो मुस्लिम युवकों को फंसाया गया है वो ऐसा आगे से नहीं होने देगी, और इसी के आड़ में अखिलेश यादव ने मुस्लिमों के ऊपर से केस वापस लेने का वादा किया। और सरकार बनने पे अखिलेश यादव की सरकार ने वाराणसी जिला प्रशासन को पत्र लिख करके 14 बिंदुओं पर केस वापसी के बारे में राय मांगी थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में कई याचिका दायर की गई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अखिलेश यादव सरकार को फटकार भी लगाई थी। और देखिए, कोर्ट ने उस समय अखिलेश को क्या कहा था, वाराणसी विस्फोट मामले में आतंकी वलीउल्लाह के साथ कुछ अन्य आतंकवादियों के खिलाफ मामले वापस लेने के अखिलेश यादव के फैसले पे 23 नवंबर 2012 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था इस पूरे मामले को, और हाईकोर्ट ने अखिलेश को फटकार लगाई थी और कहा था कि जब कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो आप इसे वापस क्यों लेना चाहते हैं। हाई कोर्ट ने
ये भी कहा कि आप आतंकियों को रिहा कर रहे हैं, कल को आप उन्हें पद्म भूषण भी देंगे। तो ये जो कोर्ट की टिप्पणी थी बहुत बड़ी टिप्पणी थी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव खुलकर आतंकियों के पक्ष में सामने आते रहे हैं। 12 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ककोरी इलाके से आतंक निरोधी दस्ता ATS ने अलकायदा के 2 आतंकियों मिनहाज अहमद और मसीरुद्दीन उर्फ मुशीर को गिरफ्तार किया। दोनों मुस्लिम आतंकी अपने अन्य साथियों की मदद से 15 अगस्त से पहले देश के बड़े बड़े शहरों में दिल दहलाने वाली एक साजिश रच रहे थे। ATS को उनके पास से बड़ी संख्या में विस्फोटक सामग्रियां मिलती हैं। उनके पास से IED से लैस 2 प्रेशर कुकर बम और 1 पिस्टल मिली। ATS की तत्परता ही कहिए कि इनके जो नापाक मंसूबे थे वो पूरे नहीं हो सके, उन पे पानी फिर गया। और इनकी गिरफ्तारी पे जहां ATS की तारीफ हुई, वहीं अखिलेश यादव ने ये सवाल उठा दिया कि मुझे UP पुलिस पे भरोसा ही नहीं है, जिसके अंडर कभी राज्य की पुलिस काम कर रही थी। उसी पुलिस का मनोबल बढ़ाने की जगह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केवल और केवल मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण ये कहा कि उन्हें यूपी पुलिस पे भरोसा नहीं है। इसे लेकर के सोशल मीडिया पे काफ़ी यूजर्स ने अखिलेश को बुरा भला कहा, उन्हें लताड़ा, उन्हें काफ़ी लानत मलानत की। दरअसल क्या है, आज उत्तर प्रदेश के हालात कुछ और हैं, लेकिन अखिलेश राज में आतंकियों का हॉटस्पॉट हुआ करता था उत्तर प्रदेश, और इस पर कोई दो राय नहीं है। आतंक के खिलाफ कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियों की नीतियां देश हित में नहीं रही। इन लोगों ने जहां सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे, वहीं अखिलेश सरकार ने आतंकियों से हमदर्दी जताते हुए 19 मामलों में केस वापस लिया। और यूपी में सपा की सरकार के दौरान 2006 में काशी और 2007 में गोरखपुर में आतंकी हमले हुए। 2007 में लखनऊ और अयोध्या में बम धमाके होते हैं, जहां गुजरात सरकार आतंकियों के खिलाफ लड़ रही थी, वहीं BSP और SP की सरकार में उत्तर प्रदेश आतंकियों का हॉटस्पॉट बनता जा रहा था। इंडियन मजाहुद्दीन, सिमी और ISI की आतंकवादी गतिविधियां अपने प्राइम पे थी। अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट केस में स्पेशल कोर्ट ने 18 फरवरी 2022 को जिन 49 दोषियों को सजा सुनाई, उनमें से 8 यूपी के हैं। इनमें से फांसी की सजा पाए 6 अखिलेश यादव के लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ के सराय मीर के रहने वाले हैं, और फांसी की सजा पाए 1 आतंकवादी मोहम्मद सैफ के परिवार का संबंध समाजवादी पार्टी से रहा है, जिसका मैंने आपको बताया था कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिसका जिक्र किया था। और राजनीतिक संरक्षण पाए आतंकियों ने अहमदाबाद को दहला करके पूरे देश को हिला के रख दिया था, और इसके बाद सियासी और आतंकी गठजोड़ का जो एक फेस सामने आता है वो बड़ा दिल दहलाने वाला था। फांसी की सजा पाए मोहम्मद सैफ के पिता शादाब अहमद शेख उर्फ मिस्टर आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के पुराने नेताओं में शामिल रहे हैं। अब आप देखते जाइए, और 2008 में सपा के जिला उपाध्यक्ष और पार्टी के महासचिव भी रह चुके हैं। आजमगढ़ सांसद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नज़दीकी लोगों में वो शुमार हैं। सैफ 6 भाइयों में से 4th नंबर पे हैं। कंप्यूटर व इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने आजमगढ़ से दिल्ली गए। सैफ को दिल्ली के माटला हाउस कांड में गिरफ्तार किया गया था। और मोहम्मद सैफ के अलावा अबू बशर, आरिफ मिर्ज़ा, नसीम, आरिफ बदर, सैफुल रहमान और कोट मोहम्मद चीशन को भी फांसी की सज़ा सुनाई गई। वहीं आजमगढ़ के ही मोहम्मद सादिक को आजीवन कारावास की सजा मिली। आजमगढ़ के सराय मीर थाना क्षेत्र के रहने वाले अबू बशर इंडियन मुजाहिदीन आतंकी संगठन से भी जुड़े हुए हैं, साथ ही इस सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड भी है। आजमगढ़ के जिन 6 युवकों को फांसी की सजा सुनाई गई, उनमें से कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने तो कोई कारोबार के सिलसिले में दिल्ली गया हुआ था। अखिलेश यादव के लोकसभा क्षेत्र रहे आजमगढ़ का बाटला हाउस एनकाउंटर से भी कनेक्शन है, ये बाद में सामने आता है। इस एनकाउंटर में स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर मोहन चंद वर्मा को गोली लगी थी।
इंस्पेक्टर वर्मा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और कुछ ही घंटों में हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद आजमगढ़ को एक आतंक का अड्डा बताया गया, क्योंकि मारे गए दो संदिग्ध और गिरफ्तार किए गए तीन सभी जिलों के ये जो लोग थे सराय मीर इलाके के संजरपुर गांव के थे। आजमगढ़ के सराय मीर थाना क्षेत्र के बिना पार गांव के रहने वाले मास्टरमाइंड अबू बशर का नाम अहमदाबाद ही नहीं जयपुर, लखनऊ, दिल्ली और दूसरे बम ब्लास्ट के धमाकों में भी आया था। तो दोस्तों, समझा जा सकता है कि अखिलेश यादव के इरादे कैसे हैं, कैसे उनके अलगाववादियों से गहरे रिश्ते हैं। और वो बात करते हैं कि हमें दस्तावेज दिए जाए, सर्जिकल स्ट्राइक के ये उन्होंने डिमांड की थी। और अपने वो कारनामे देखें तो पता चलता है कि असलियत क्या है। आपको ये मेरा कंटेंट कैसा लगा दोस्तों, आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।